सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। टमाटर से इस बार 3 गुना ज्यादा कमाई, सोलन मंडी में अब तक हुआ लगभग 19 करोड़ 63 लाख का कारोबार। इस वर्ष टमाटर की कम पैदावार के बावजूद कारोबार करीब 3 गुना से अधिक हुआ है। इस बार अभी तक टमाटर की आवक कम रही है, जबकि इसके दाम पिछले वर्ष के मुकाबले 10 गुना तक अधिक मिल रहे हैं। पिछले वर्ष सब्जी मंडी में जुलाई के मध्य तक करीब 2 लाख रेट पहुंचे थे, इससे करीब 7 करोड़ का कारोबार हुआ था। इस बार अभी तक 1,15,482 क्रेट पहुँच चुकी हैं, जबकि 19,63,19,400 रुपये का कारोबार हो चुका है। जबकि अभी मंडी में टमाटर की आवक जारी है। जंगल में कचरे की डंपिंग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जंगल में कचरे की अवैध डंपिंग पर कड़ा संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने हमीरपुर के दुगनेरी गांव से कचरा हटाने के लिए आदेश दिए हैं और मामले की रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 1 नवम्बर को होगी। वहीं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 15 मार्च 2023 को हमीरपुर नगर परिषद ने सुल्तान लाइफ कंपनी के साथ कचरे के निस्तारण के लिए अनुबंध किया। वहीं 4 अप्रैल 2023 को कचरे का निस्तारण शुरू कर दिया। 2 जुलाई तक 3,121.54 टन कचरे का निस्तारण किया गया। प्रधान सचिव ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कम से कम 9 महीनों का समय लगेगा। ट्रिब्यूनल को यह भी बताया गया कि कचरे को वन भूमि में एकत्रित किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने वन विभाग को आदेश दिए कि वन भूमि पर न तो किसी तरह का अवैध कब्जा होने दे और न ही जंगलों में कचरे की डंपिंग की जाए। गरीब लड़कियों की तस्करी के मामले में पालमपुर क्षेत्र का दंपत्ति गिरफ्तार। असम में गरीब परिवारों की लड़कियों की तस्करी के मामले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तार जुड़े हैं। मामले में पालमपुर क्षेत्र के एक दंपत्ति को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांगड़ा पुलिस भी असम पुलिस से जानकारी जुटाकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि लड़कियों की तस्करी के मामले में कांगड़ा जिले के अन्य इलाकों के लोग तो संलिप्त नहीं है। वहीं सूत्रों के अनुसार पालमपुर क्षेत्र से संबंध रखने वाले दंपत्ति सहित अन्य गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि वे असम से निर्धन लड़कियाँ उनके परिजनों को कुछ पैसे देकर खरीद लेते थे और उन्हें देश के अलग अलग क्षेत्रों में बेच देते थे। बताया जा रहा है कि पालमपुर क्षेत्र के इस दंपति ने जयसिंहपुर और शाहपुर क्षेत्र में भी लड़कियों की तस्करी की है। सूचना देने में देरी करने पर एमसी शिमला के अधिकारी पर 15,000 रुपये जुर्माना। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना देने में देरी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के मुख्य आयुक्त आरडी धीमान ने नगर निगम शिमला के जन सूचना अधिकारी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पवन कुमार बंता की अपील को स्वीकार करते हुए आयोग ने यह आदेश दिया। आयोग ने पाया कि जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को वांछित सूचना 1 वर्ष के बाद दी। अपीलकर्ता ने 14 जनवरी 2022 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। जन सूचना अधिकारी ने 14 फरवरी 2022 को सूचित किया कि वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वहीं जन सूचना अधिकारी की सूचना के खिलाफ पवन बंता ने नगर निगम आयुक्त के समक्ष पहली अपील दायर की। अस्पतालों में बढ़ने लगे स्क्रब टाइफस मरीजों के मामले। सोलन जिला में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने लगे हैं। रोजाना 10 से 15 मामले स्क्रब टाइफस के सामने आ रहे हैं। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की माने तो स्क्रब टाइफस के अधिक मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। हर बार मानसून के बीच इस बीमारी से मरीजों की संख्या बढ़ती है, ठीक इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि सोलन अस्पताल में इस बीमारी के अधिक मामले आने की वजह यहां पर उपचार करवाने आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद भी है। वहीं हॉस्पिटल में ज़िला सोलन के अलावा सिरमौर और शिमला के मरीज भी बड़ी संख्या में उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां पर स्क्रब टाइफस के मामलों में अभी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं कीट के काटने से शरीर पर फफोलेनुमा काली पपड़ी का निशान पड़ जाता है और कुछ ही समय में घाव बन जाता है। इसे स्क्रब टाइफस कहते हैं, इसे बुश टाइफस भी कहा जाता है। स्वार घाट हरौली में सड़क हादसे, 5 की मौत। जिला बिलासपुर के अंतर्गत चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे स्वार घाट के धारकांशी में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। इस कार हादसे के दौरान कार में सवार 2 युवकों और 1 युवती की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सचिन सिंह 26 वर्षीय पुत्र जयगढ़ निवासी साउथ दिल्ली,
पिंटू 26 वर्षीय पुत्र रवि नायक निवासी नई दिल्ली, खुशी गुप्ता 20 वर्षीय पुत्री भागीरथ गुप्ता निवासी शकरपुर पूर्वी दिल्ली के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में करवाया है। हिमाचल वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द होंगी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए गठित किए गए आयोग में जल्द ही अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। पिछले कल इस बाबत मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों के लिए गठित सर्च कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। वहीं अब मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मुख्यमंत्री सुखू के साथ चर्चा करने के बाद नियुक्तियों के आदेश जारी करेंगे। टीचर्स को एक्सटेंशन नहीं, शिक्षा सचिव ने 2015 में जारी नोटिफिकेशन ली वापस। हिमाचल में नेशनल और स्टेट अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों को सेवा विस्तार देने संबंधी पॉलिसी को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 24 सितंबर 2015 को जारी अधिसूचना को सरकार ने खत्म कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत अवार्ड में दिए जाने वाले इनाम के अलावा इन शिक्षकों को सेवा विस्तार भी दिया जाता है। अब नई सरकार की कैबिनेट ने सेवा विस्तार की जगह फिक्स वेतन के आधार पर पुनर्रोजगार जैसे फॉर्मूले को लागू करने की अनुमति दी है। ऑरेंज अलर्ट के बीच 24 घंटों में 16 लोगों की मौत, 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच 24 घंटों के बीच हुई बारिश के कारण राज्य में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल व 3 लापता हो गए। नुकसान का आंकड़ा पहले ही 50 अरब पार हो चुका है और मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 50.77 अरब की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। हिमाचल भवन सामग्री के दाम बढ़े, आशियाना बनाना हुआ और महंगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच लोगों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। भवन सामग्री के दाम बढ़ने से नया आशियाना बनाना महंगा हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश में डीजल पर 3 रुपये वैट बढ़ाने से भी भवन निर्माण की सामग्री के दाम चढ़ गए हैं। इस वजह से बीते दिनों आई बाढ़ में तबाह हुए भवन होटल दुकानों को नए सिरे से बनाना महंगा हो गया है। वहीं भारी बारिश और ब्यास में बाढ़ से जिला कुल्लू में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कों, बिजली व पेयजल स्कीमों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों मकानों और दुकानों का नामो निशान मिट गया है। इन मकानों को दोबारा बनाने के लिए लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं भवन निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोतरी की वजह से होटल मकान और दुकानें बनाने में खासा बजट व्यय करना होगा। खासकर बजरी, रेत और ईंटों के दाम में भी वृद्धि हो गई है। टिप्पर और ट्रक मालिक शुभम चौहान कहते हैं कि 5 से 6 माह पूर्व पहले बजरी का टिप्पर 6,000 रुपये में आता था, अब 6,500 से 7,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं रेत में भी 1,000 रुपये टिप्पर का इजाफा हुआ है। सड़कें बाधित होने से सप्लाई करने में भी खासी मुश्किलें हो रही हैं। समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। सरिया के कारोबारी मनोज ने कहा कि ट्रकों की आवाजाही वक्त पर नहीं हो रही है और डीजल में बढ़ोतरी की वजह से सरिया और ईंटों के रेट बढ़े हैं। कुल्लू में 6 माह पहले एक ईंट का रेट 9.5 रुपये था, जो अब 10 रुपये हो गया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।